हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। और अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर जगह कम या ज़्यादा सर्दी फील की जा सकती है। हमारे यहाँ थोड़ी कम ही सही, बट सर्दी लगने लगी है, सर्दियों वाले फल सब्ज़ी मिलने लगे हैं और मार्केट जाने का ना अलग ही मज़ा आता है। इतनी फ्रेश फ्रेश, इतनी कलरफुल वेजिटेबल्स मिलती हैं। सर्दियाँ सीज़न होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने का जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और फिर वो पूरे साल आपको अंदर से दुरुस्त रखती है, सेहतमंद रखती है। और बस आज तो मैंने चाय के साथ बनाया था गोभी 65। मुझे गोभी की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और गोभी 65 उनमें काफ़ी ऊपर है। इसके बाद फिर बच्चों के लिए बनाया था मैंने बहुत अच्छा वाला दूध, जो थोड़ी सी कफ वगैरह हो, सर्दी खांसी हो तो आप दे दीजिए बना करके, उन्हें बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरी सासू माँ ऐसा करती हैं और उनसे ही सीख कर मैं भी अभी ऐसा करती हूँ। और डिनर था बहुत ही बढ़िया सा, साग विद मूली, गुड़ एंड चपाती एंड देन क्लीनिंग माई किचन। और किचन मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। किचन को साफ़ रखना, हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इट्स टाइम टू स्लीप। और सोने से पहले मैं हमेशा फ़ेस क्लीन कर लेती हूँ टू रिमूव मेकअप एंड डर्ट। अगर आप फेस बिना धोए सोते हैं तो डेफिनेटली जो आपने मेकअप लगाया है या दिन भर में जो भी डर्ट सेटल हुई है आपके फेस पे, उससे आपको स्किन इशूज़ हो सकते हैं। आई लाइक टू यूज़ समथिंग दैट कुड रिवाइटलाइज द स्किन ओवरनाइट एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स और स्किन को मॉइस्चराइज भी करे। एंड आई गेट ऑल ऑफ दिस इन विल्वास मिल्क ड्रॉप्स ब्राइटनिंग सीरम। इसका लाइट वेट मिल्की फॉर्मूला स्किन में जाकर स्किन को ब्राइट करता है एंड हेल्प्स यू अचीव ग्लोइंग स्किन। इट इवन्स आउट स्किन टोन, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड स्मूदन स्किन टेक्सचर एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक ऑन हाइपर पिगमेंटेशन। और इसके हीरो इन्ग्रीडियंट्स में है राइस मिल्क एक्सट्रैक्ट। इट ब्राइट Brightens the skin, corrects skin texture, reduces appearance of dark spots and freckles caused by sun damage. Isme hai marine algae extract. It is supercharged with deep ocean antioxidants jo irritated red acne prone skin ko heal hone mein help karte hain and also smooths away fine lines. Isme hai alpha arbutin which is first of all safe for all skin tones. It doesn't change the skin color, only evens out your complexion and works on hyperpigmentation and sun damage. और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड भी विच इज अ मॉइस्चर बाइंडिंग इंग्रेडिएंट दैट वर्क्स बीनीथ स्किन सरफेस एंड कैन होल्ड अप टू 1000 टाइम्स इट्स वेट इन वाटर। और ये सीरम सभी स्किन टाइप को सूट करता है इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। इट्स मेड फ्रॉम प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, इट्स फ्रेग्रेंस फ्री एंड वीगन टू। एंड विल्वा इज एन ऑल नेचुरल सर्टिफाइड ब्रांड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज नीलम20। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑन विल्वाज ऑफिशियल वेबसाइट। और सभी बाइंग लिंक्स रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली चेक देम आउट। और सीधे मिल रहे मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने मेरे लिए दूध पत्ती बनाया था, सुबह के काम से फ्री हो चुकी थी मैं, तो मेरा मन हो रहा था चाय वाय पीने का, तो दूध पत्ती बना लेती हूँ मैं। दूध पत्ती मतलब दूध ही रहता है पर उसमें बहुत कम पत्ती डलती है। मैं दूध नहीं पीती क्योंकि मुझे उससे फिर गैस एंड ब्लोटिंग इशूज़ हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसे पत्ती कर लेती हूँ या फिर कॉफ़ी बना लेती हूँ उसका। तो मैं फ्री होकर बस बैठने ही वाली थी, सोचा थोड़ी सब्जियाँ वगैरह संभाल लूँ, तो मैंने स्प्रिंग अनियंस क्लीन करी थी, इन्हें पैक करके रख रही हूँ। मेरे पीछे जो आपको दिख रही हैं वो है मेरी डोमेस्टिक हेल्प, वो मेरे को हेल्प करती हैं झाड़ू पोछा वगैरह में। तो वो आ चुकी थी और वो बाहर बालकनी क्लीन कर रही हैं, उसके बाद अंदर भी क्लीनिंग करेंगी। तब तक मैंने जो सब्जियों से रिलेटेड काम है वो सभी निपटा लिया है।
जी मालूम है बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि दी आपने रेसिपी क्यों नहीं दी। चलिए मैं अब शुरू से आपको सारी रेसिपीज़ देती हूँ। कल की जो वीडियो गई थी उसमें मैं आपसे बात कर रही थी मूली के साग की, बट वो रेसिपी मैं आपको पूरी नहीं दे पाई थी। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको विंटर स्पेशल सब्जियों वाली 3-4 रेसिपीज़ दे देती हूँ। मैं आपको बोल रही थी कि जो सरसों होती है ना वो नॉर्थ बेल्ट में ईजिली मिल जाती है, बट जहाँ हम रहते हैं और बाकी एरिया में नहीं मिलती है उतनी आसानी से। बट साग खाने का मन है तो क्या करें, तो मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली हर जगह इजीली अवेलेबल होती है। तो मूली के पत्ते लिए हैं मैंने और थोड़े से पालक, जितना आपने मूली लिया उसका 1/4 जैसा पालक ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से धुल करके काटें और काटने के बाद भी धो लें, इसकी किरकिरी निकल जाए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर इसे 3-4 सीटी लगा करके उबाल लीजिए। आप उबालते समय इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो जैसे साग में ऐड करते हैं, अदरवाइज प्लेन उबाल लीजिए। और बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डालें। 2 चम्मच अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो ऐड करें, अदरवाइज़ गेहूं का आटा डाल करके हो सके तो मोटा मोटा पीस लें। इसके बाद कढ़ाई में मैंने डाला है घी, ऐड किया है बारीक कटा हुआ लहसुन, लंबा कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें, इन सबको भूनेंगे तब तक जब तक कि जो हमारा लहसुन है वो लाल हो जाए। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज कटे हुए और अभी प्याज को भी भून लेंगे तब तक जब तक कि थोड़े से लाल दिखने लगे। प्याज भुन चुके हैं तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमेटोज। अच्छे लाल लाल टमाटर मिलते हैं अभी, इन टमाटरों का सूप भी बहुत बढ़िया बनता है। तो टमाटर मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा नमक भी साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो अभी जो साग पीस करके रखा है वो ऐड कर दीजिए। साग को ना घोटनी होती है, उससे घोटा जाता है, इस तरह चटनी जैसा साग अच्छा नहीं लगता, बट मैंने मिक्सी कर दिया और थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस गया है, मुझसे थोड़ा सा टेक्सचर वाला रहता है तो साग अच्छा लगता है। एंड जैसा मैं आपको बता रही थी, फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज मकई का आटा। आपके पास मकई का आटा है तो 2 चम्मच वही ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए गेहूँ का आटा डाल दिया है मैंने। इसे बोलते हैं आलन लगाना, और साग में आलन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे उसकी जो पंजेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी मिठास बढ़ जाती है और साग ना पानी छोड़ता सा नज़र आता है ना, वो फिर इशू नहीं होता। मिला दीजिए मसाले के अंदर साग को, थोड़ा भून लीजिए, ऐड कीजिए आपके हिसाब से पानी, मतलब कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, एंड एटलीस्ट इसे 15 मिनट अभी पकाइएगा। साग जितना ज़्यादा पके उतना अच्छा लगता है और कहते हैं बासी साग ज़्यादा बेहतर लगता है, तो कम से कम 15 मिनट तो इसे ज़रूर से खदका लीजिए अच्छी तरह, और उसके बाद आप साग को खा सकते हैं, स्टोर भी करके रख सकते हैं, साग कई दिन तक फ्रिज में अच्छा रहता है। गोभी 65 की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। गोभी को साफ कर लिया मैंने, फ्लॉरेट्स में निकाल लिया है, छोटे छोटे फ्लॉरेट्स निकाले हैं, और इतनी गोभी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इतना ही लगभग आप मैदा मिला सकते हो। मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज़्यादा लिया है, मैदा थोड़ा सा कम ऐड किया है। बस इतना फ्लावर डालें कि आपको लगे कि ठीक से कोट हो जाएंगी आपकी गोभियाँ। ऐड कर रहे हैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली मैंने अभी कूट कर डाला है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2-1 चम्मच दही। दही इतना डालें कि सारी की सारी अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हो जाएँ, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ फॉर दैट बेटर रेड कलर, थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, और अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। शुरुआत में लगता है कि मिक्स नहीं होगा, बट थोड़ा सा काम करते रहेंगे ना तो अच्छी तरह से मिक्स आ जाता है। 2 चम्मच दही में मेरा काम हो गया, आप थोड़ा सा मिक्स करके देखिए, नहीं मिक्स होता तो थोड़ा और दही ऊपर से ऐड कर सकते हो।
और बैटर को एज सच रेस्ट नहीं कराना है और ना ही बहुत ही रनी कोई बैटर बनाना है। बस इस तरह से आप दही मिलाइएगा कि सारी जो गोभियाँ हैं उस पर अच्छी तरह से सारी चीज़ें कोट हो जाएं, और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी कम डाल करके मुझे फ्राई करनी चाहिए थी, बट क्योंकि इतनी ही गोभियाँ थी तो चाय भी मैंने चढ़ा ही दी थी, तो आई वॉज लाइक कि कहीं गोभियाँ ही ना बनाती रह जाऊँ मैं, चाय पक जाएगी, तो मैंने सारी एक साथ डाल करके पका ली हैं। यहाँ मैंने पैन में डाला है देसी घी और इसके अंदर क्रश किया हुआ आमंड्स हैं ये, एंड देन थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने जो चॉपर होता है नट चॉपर, उसके अंदर क्रश कर लिया था आमंड्स को। आप इसे बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं, नहीं तो जो सलबट्टा होता है उस पर कूट लीजिए, मोटा पेसल होता है उसके अंदर कूट लीजिए। अच्छी तरह से घी में इसको भून लें जब तक ये लाल लाल हो जाए, और फिर इसको दूध जिसके अंदर पहले से मैंने हल्दी और थोड़ी सी चीनी डाल करके उबाल लिया था, इसके अंदर ऊपर से ये छौंका मिला दीजिए। मैंने एक पैन के अंदर वही वाला ऑयल इस्तेमाल किया है जिसमें गोभी फ्राई हो रही थी, और इसके अंदर ऐड किया है थोड़े से प्याज एंड हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन भी ग्रेट करके ऐड करूँगी। गोभी 65 में प्याज नहीं डलते हैं, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ना डालें। सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़े से करी लीव्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, और मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी, एंड देन इसमें जाएगा थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक एंड टमेटो केचप। ये जो टमेटो केचप है ये थोड़ा सा खट्टापन और काफ़ी सारा स्वीटनेस देगा आपके गोभी 65 को, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप मिर्ची आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर भी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, आप चाहें तो जो रेगुलर चिलीज होती हैं वो ऐड कर सकते हो फॉर दैट स्पाइस कोशेंट, एंड देन अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लीजिए, और फिर बिल्कुल लास्ट में जब आपका सॉस बढ़िया तैयार हो जाए तो ऐड कर दीजिए आपके गोभी। गोभी को ठंडे मत कीजिएगा, मतलब अभी आपने फ्राई किया तो अभी ही इसको मसाले में कोट कर लीजिए, काफ़ी देर पहले से बना के रखेंगे तो ये कड़क कड़क हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर है ना वो गरम गरम क्रिस्पी लगता है, ठंडा होकर काफ़ी ज़्यादा कड़क सा हो जाता है। अच्छी तरह से गोभी को टॉस कर लीजिए सॉस के अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही फ्लेवरफुल एंड टेस्टी गोभी 65 की रेसिपी हो गई है रेडी। आप बनाकर देखना, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे गोभी मंचूरियन भी बहुत पसंद है, उसकी रेसिपी भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन जब मैं चाइनीज़ प्लेटर बनाऊंगी। ये दूध ऑलमोस्ट इतना ठंडा हो गया था कि बच्चे पी लें, बस मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ठंडा इसको नहीं पीना है, गरम गरम पीने से ही इसका फ़ायदा है, और ये बादाम के छौंके वाला दूध थोड़ी बहुत सर्दी है खांसी है तो उसके लिए एकदम ही रामबाण है, एक बार पीते ही एकदम असर दिखने लगता है। और डिनर के लिए जो साग है वही छौंक रही हूँ मैं, एवरी टाइम जब आप साग दोबारा से छौंके ना तो उसे घी में ही छौंकेगा। सूखी लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे, देन कटा हुआ लहसुन इज मस्ट, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन का तड़का लगाइएगा, साग में बहुत अच्छा लगता है। लहसुन थोड़ा लाल हो जाएगा तब तक इसे भून लेंगे, और बाकी आपका दिल चाहे तो टमाटर प्याज वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। आपको तीखा कैसा चाहिए, साग में पहले से कितना तीखा है उस हिसाब से हरी मिर्ची या लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और गार्लिक लिया है, देसी घी में इसको भून लिया है, और अभी इसके अंदर जो साग है वो ऐड करेंगे, इसको छौंक लेंगे, थोड़ी देर पका लेंगे, और ये दोबारा छौंका हुआ साग बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। ये मूली के पत्तों का साग एक बार आप ट्राई करके देखना। ये देखिए सरसों के पत्ते वाला जो साग होता है, जो ट्रेडिशनल साग रहता है, उसके मुकाबले का तो नहीं है, बट साग वाला मज़ा ये आपको ज़रूर दे देगा इन केस यू आर अनेबल टू फाइंड सरसों इन योर विसिनिटी। मैं फटाफट से फुलके सेक ले रही हूँ, वैसे तो इसके साथ है ना सबसे अच्छी लगती है मक्के की रोटी, साग बहुत लोग राइस के साथ खाना भी पसंद करते हैं, मुझे तो साग मक्के की रोटी के साथ अच्छा लगता है, बट ये अनप्लान्ड ही था, मैं मक्की का आटा नहीं लेकर आई थी इसलिए मैंने इसमें आलन भी गेहूँ के आटे का ही दिया है, चपाती भी गेहूँ के आटे की ही कर ली है, एंड विद मूली एंड गुड़ साग का प्लेट इज़ कम्प्लीट एंड इट टेस्ट अमेजिंग विद दिस कॉम्बिनेशन। और
आप सोचेंगे दी आप तो सर्दियों की रेसिपीज़ की बात कर रही थी, आप ये लौकी क्यों काट रहे हो, लौकी तो गर्मियों की रेसिपी है। आई नो गर्मियों में हम लोग बहुत लौकियाँ खाते हैं, लेकिन मैं जब मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने, ट्रस्ट मी इतनी टेंडर इतनी सुंदर सुंदर लौकियाँ वहाँ पर थी कि मैं खुद को नहीं रोक पाई लेने से। मैं कोशिश करती हूँ कि सीज़न की ही सब्ज़ियाँ बनाऊँ, थोड़ा बहुत कभी वेरिएशन चाहिए तो फिर एक अलग बात है, बट इतनी बढ़िया फ्रेश लौकी लग रही थी मैंने सोचा चलो ले ही आते हैं। तो मैंने लौकी को छील लिया है, धुल लिया है, एंड हमेशा थोड़ा सा अलग स्टाइल से काट दें, थोड़ा अलग स्टाइल से छोंक दें, तो वही रूटीन की सब्ज़ी एकदम खास लगने लगती है। तो ये लौकी की रेसिपी, और अगली एक और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बिल्कुल ही मिनिमल इन्ग्रीडियंट मिनिमम टाइम वाली रेसिपीज़ हैं। लाइक 10 मिनट्स में 4-5 इन्ग्रीडियंट के साथ आप ये सब्ज़ियाँ बना करके तैयार कर सकते हो, इन नो टाइम आपकी सब्ज़ी रेडी भी हो जाएगी, जो बहुत टेस्टी भी लगती है। कुकर के अंदर ऐड किया है मैंने थोड़ा सा तिल का तेल, ऐड किया है ज़ीरा, ये सूखे लाल मिर्ची है जो मैंने काट लिए हैं, एंड मोटा कटा हुआ लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन आप बारीक भी काट सकते हो। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून लेंगे तो अभी जो लौकी हमने काटी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये एकदम ही क्विक वाली सब्ज़ी तो है ही, बहुत लाइट भी रहती है। कभी कभी मन करता है लाइट खाने का तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मसालों के नाम पे सिर्फ हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड की है, थोड़ा सा नमक, और कोई मिर्ची विर्ची नहीं ऐड करनी है, जो लाल मिर्ची है उसी से आ जाएगा स्पाइसीनेस। लौकी अनलेस आप यू आर मेकिंग अ वेरी स्पेशल समथिंग फ्रॉम लौकी तो स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। एक टमाटर काट कर मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, ढक्कन लगा के 2-3 सीटियाँ ले लेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी पका सकते हो, ये कढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ बनती है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता है काम। मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल, सरसों का तेल अच्छी तरह स्मोक हो जाएगा तो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मिर्चें, कुछ एक टुकड़े तीखी वाली हरी मिर्ची के ले लिए मैंने, और कुछ एक टुकड़े रेगुलर हरी मिर्ची के, इनको ज़रा सा भून लेंगे और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर आलू जो मैंने काफ़ी छोटा छोटा काट लिया है। और आलू को अभी भुनने देंगे ढक्कन लगाकर। यह है थोड़ी सी मेथी, इसको थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे। मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, हर घर में बनती है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैं बिल्कुल ही 5 मिनट वाली और लेस इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो टिफ़िन अगर आप बनाना कंसिडर कर रहे हो तो उसमें भी ये सब्ज़ी आप कंसिडर कर सकते हैं। थाली में एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी रखने के हिसाब से भी आप इसे 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हो। मेथी मैं हमेशा जब भी लेकर आती हूँ तो साथ में ही सारी सवार करके स्टोर कर लेती हूँ, तो इससे फिर फटाफट से उसकी कोई भी रेसिपी की जा सकती है। मेथी यहाँ पर धुलकर कटकर तैयार है। लौकी देख लेते हैं, 3 सीटियाँ लगी थी कुकर को, इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो गया था तब मैंने लिड खोला है। लौकी के अंदर बहुत पानी रहता है तो अपने ही पानी में ये कितनी अच्छी पक गई है। लुक एट दिस सब्ज़ी, लाइट कुछ खाने का मन है तो ट्राई दिस, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। लहसुन नहीं पसंद है तो लहसुन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से हमारे जो आलू हैं वो हो गए हैं लाल लाल, अच्छी तरह कुक तो अभी नहीं हुए हैं, कुक ये होंगे आगे, बट इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी, फटाफट से ऊपर ही डाल देंगे। थोड़े मेथी के पत्ते ना विल्ट डाउन हो जाएंगे तो ऐसे ही डाल करके थोड़ा नमक डाल करके छोड़ दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। मीनवाइल आप आटा वाटा लगा सकते हो, सैलेड वैलेड काट सकते हो। 2-4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो मेथी सारी भुज गई है, गिव इट अ गुड मिक्स, और जब तक इसके अंदर का सारा पानी जल जाए मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए, आलू गल जाएंगे तब तक, और बस आपकी 5 मिनट वाली फ्यू इन्ग्रीडियंट्स वाली आलू मेथी इज़ रेडी।